हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसका मेन चैप्टर होता है एल्कीन, और उससे क्या है ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड बनते हैं। तो उसमें से आपका एल्कीन में से आपको क्या बनाना होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, इस प्रोसेस से क्या बनता है, जो एल्कीन है उससे क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो वो ये ग्रुप कैरी करते हैं। तो जिसके अंदर सी ग्रुप होता है वो क्या होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है ना। अब देखो एल्कीन यदि आपको दिया हुआ है तो सी एच डबल बॉन्ड, और ये क्या है सी एच, और एक एच इसका और है, तो दिस इज द CH2। तो हम क्या कह रहे हैं कि दिस इज द सी स्टार। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, जनरल एल्कीन। अब एल्कीन आपको पता है कि दो तरह की होती है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, सिमेट्रिकल क्या होता है, सिमेट्रिकल क्या होता है। तो अगर आपने एल्कीन को मानो यहां से ब्रेक करा और दोनों तरफ क्या है, सेम कार्बन आए, एक जैसा है, सिमेट्री बन जाए, तो दैट सिमेट्रिकल। तो ईथ इन ब्यूट इन टू, ब्यूट इन टू क्या है आपका, सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है ना। अगर हम कह रहे हैं कि पेंटीन, तो पेंटीन वन है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है ना। तो वहां पर क्या है, कार्बन का जो ब्रेकेज होगा अलग होता है, चार का और एक का। तो यहां पे क्या है आपके पास, ये हम कह रहे हैं कि सिमेट्रिक एल्कीन है या अनसिमेट्रिक एल्कीन है, दोनों में क्या होता है, सेम होता है। तो देखो पहले क्या करते हैं, हम इसको रिएक्शन कराते हैं किससे, ओ थ्री से। तो ओ थ्री से पहले क्या होता है, देखो यहां पे याद रखना, जो कैटलिस्ट क्या होते हैं, जेड एन होता है और वाटर होता है। ठीक है ना। और यहां पे परोक्साइड भी हो सकता है इन माइल्ड अमाउंट्स। तो देखो यहां पर क्या बनता है, पहले स्टेप में क्या बनता है, ओजोनाइट। एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा यहां पे, ओजोनाइट्स। तो दिस इज द ओजोनाइट्स। अब ओजोनाइट्स को ब्रेक कौन करेगा, जिंक एंड वाटर, क्या करेगा इसको ब्रेक करेगा, तो क्या बनाएगा, जेड एन, और किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। तो देखो ये वाला जो बॉन्ड है इस तरह ब्रेक होता है और ये वाले बॉन्ड बाहर निकल जाएंगे। तो इसके बाद देखो हर बार क्या आएगा, एक ऑक्सीजन आएगा दोनों के पास, तो क्या बनेगा यहां पे, सी डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड सी ओ। तो देखो यहां पर क्या बना है, दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहां पे आपके पास कार्बन कैसे है, हाइड्रोजन कैसे है, मैटर नहीं करता, वो इसके पास सेम बने रहते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसको याद कैसे करते हैं, तो याद रखने के लिए क्या करते हैं, मानो अगर हमारे पास क्या है, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और प्लस का लिया एच थ्री, और यहां पे लिखा होगा जेड और वाटर। तो सिंपल दिस इज द ओजोनोलाइसिस। तो ओजोन जो है एल्कीन को ब्रेक कर रही है। तो सिंपल आपको करना है कुछ नहीं, यहां से आपको ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन यहां पर, एक कहां लगाना है यहां पर, वेरी सिंपल, और बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और बॉन्ड दोनों के पास डबल बॉन्ड ही रहेगा, सी एच डबल बॉन्ड ओ, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड ओ। ठीक है ना। और प्लस क्या बनेगा, सी एच टू डबल बॉन्ड ओ, और इसको जो हम कहते हैं एच सी एच ओ। दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड, और ये क्या आपके पास, एसिटाल्डिहाइड। तो बहुत आसान है। हम देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि ओजोनोलाइसिस को हम और आगे कैसे करेंगे या किस तरह इजीली याद करेंगे, तो सिंपल याद क्या करना होता है, अगर आपको ये एल्कीन दे रखी है इस तरह, दिस इज द एल्कीन, और ये हमारे पास क्या है कि ओ थ्री, और यहां पे क्या बना हुआ है, जेड एन, और यहां पे क्या है, वाटर। तो सिंपल जहां पर बॉन्ड है उसी को ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन यहां पे, एक ऑक्सीजन यहां पर, तो क्या बन जाएगा ये तो यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये आ गया इस तरह। अब देखो ये भी इस तरह ब्रेक होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, वेरी सिंपल। अब अगर हम कह रहे हैं कि मानो साइकिल लिखो, तो वहां भी क्या होगा इस तरह, और प्लस क्या लिया आपने, ओ थ्री, और कैटलिस्ट क्या, जेड एन, वाटर। तो सिंपल करते हैं इसको, यहां से ब्रेक करेंगे, अब जब ब्रेक करेंगे तो यहां से क्या है, देखो चेन ब्रेक हो जाती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, और यहां भी क्या, डबल बॉन्ड ओ, वेरी सिंपल। तो इसने चेन को जो आपका क्लोज चेन था उसको ब्रेक कर दिया और ओपन चेन बना दिया, तो साइक्लिक से ओपन चेन। ठीक है ना। आपने बताया पॉलीमराइजेशन, तो वहां पे क्या होता है, ओपन चेन से साइक्लिक बनता है। जैसा आपको याद होगा हमारे पास के ईथ आइंस को यदि हम रिएक्ट कराते हैं रेड हॉट, ठीक है ना, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से, आयरन ट्यूब से, कॉपर रही आयरन ट्यूब, तो क्या बनता है वहां पे, ईथ आइंस से क्या बनता है, बेंजीन बनती है। तो वहां पे क्या बना है,
ओपन चेन से साइक्लिक, और यहां पे क्या बना है साइक्लिक से ओपन चेन। तो ये क्या है रिवर्स काम कर रही है। अब देखो क्वेश्चन आता है कि बेंजीन का ऑक्सीडाइज हो सकता है या नहीं, अगर हो सकता है तो क्या बनेगा, नहीं हो सकता है तो क्या नहीं बनेगा, अगर नहीं हो सकता है तो कुछ भी नहीं बनेगा, सिंपल, और हो सकता है तो क्या बनेगा। तो देखो ये क्या है एक प्रॉपर्टी है डबल बॉन्ड की, तो ये बेंजीन को भी ब्रेक कर देती है, तो बेंजीन विल आल्सो ब्रेक। अब देखो बेंजीन ब्रेक कहां से होगा, देखो यहां से ब्रेक होगा, यहां से। अब देखो यहां से ब्रेक हो जाएगा तो इसके दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे ब्रेक। तो देखो एक क्या बना हमारे पास सी और एक सी सिंगल बॉन्ड वाला, और हम कह रहे हैं कि यहां पर क्या बना डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ, इसके पास एक एस पैर से होता है सरकारी हो, एक पार्ट ये बन गया। अब देखो यहां पर है, देखो ऐसे तो यहां पर क्या बनेगा सी ओ आएगा, ये कोई आएगा ऐसी क्या बनेगा यहां पर। तो देखो इसने एक पार्ट ये बनाया, इसने एक पार्ट ये बनाया, इसने एक पार्ट ये बनाया, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे सी एच ओ और सी एच ओ के तीन मॉलिक्यूल बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे तीन। और ये तो बहुत आसान है, हाँ बहुत आसान है अगर आपको समझ आता है। तो यहां पर करना कुछ नहीं, जहां पर डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना, ऑक्सीजन को जो है ब्रेक करके लगा दो डबल बॉन्ड से, और क्या बन जाएगा आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स क्या सेम बनेंगे और कीटोन्स कब बनेगा, तो कीटोन्स बनेगा विद ब्रांच्ड एल्कीन। अगर हमारे पास एल्कीन क्या है कुछ इस तरह की है, तो सी और सी एच थ्री और यहां पे क्या डबल बॉन्ड और ये क्या है सी एच टू मान, तो ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है। तो यहां पर क्या बनेगा एक ऑक्सीजन यहां पर, एक ऑक्सीजन क्या आएगा यहां पर, तो क्या बन जाएगा ओ थ्री और जेड एन वाटर, ठीक है। तो दिस इज द कैटलिस्ट, ये तो होने ही होने हैं, तो क्या बनेगा सी एच थ्री सी ओ और ये क्या है सी एच थ्री, और ये आपको याद है सिद्ध प्रोपेनॉन। तो कीटोन बन गया किससे बन गया ब्रांच्ड एल्कीन से, साथ में क्या बना है यहां पे एच सी एच ओ, ठीक है। तो देखो याद रखना है हमारे पास यदि सिमेट्रिकल है तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे सेम जैसे जैसे बेंजीन बने, अगर हमारे पास ब्यूट टू आयन है, ये ब्यूट टू इन है, तो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच और यहां पे क्या है सी एच थ्री, तो ये एल्कीन कैसी है सिमेट्रिकल है, क्यों अगर आप इसको यहां से ब्रेक करते तो एक कार्बन यहां पर एक कार्बन यहां पर, तो सी एच थ्री सी एच दोनों बराबर मिलते हैं, बराबर का पार्ट स्पेस मिलता है, तो मीन्स नो बेईमानी। तो क्या बनेगा यहां पे मॉलिक्यूल भी क्या बनेंगे सेम, एक ऑक्सीजन कहां पे आएगा यहां पे, तो क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच ओ सी एच थ्री सी एच ओ, तो क्या बन जाएंगे दो सी एच थ्री सी एच ओ, वेरी सिंपल। अब अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह की एल्कीन है, तो ये क्या आपके पास ब्रांच एल्कीन है, तो क्या पढ़ेंगे आप इसको टू थ्री डाइमिथाइल और क्या है आपके पास ब्यूट टू ई। तो अगर आप इसको आप ओजोलाइसिस कराएंगे, ठीक है ना, सेम स्टेप से, तो एक यहां से और एक यहां से, क्या हो जाएगा सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री, वेरी सिंपल। तो डबल बॉन्ड दोनों के साथ चला गया सी ओ यहां दिखा देंगे और ये सी एस थ्री, तो क्या बन जाएंगे दो एक जैसे, क्या बन जाएंगे दो एक जैसे, कितना आसान है जस्ट लाइक चुटकी जाना। तो दिस बात का ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे क्या है बहुत सारे कन्वर्जेंस होते हैं, ठीक है ना, एल्कीन से पहले एल्कीन बनाते हैं, एल्कीन से क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड बनाने के लिए कीटोन्स बनाने के लिए दिस इज वेरी यूजफुल इन द कन्वर्जेंस, और दिस इज द आल्सो टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन, अगर वन डबल बॉन्ड है किसी कंपाउंड में तो दैट विल गिव ओजोनोलाइसिस, वेरी गुड। तो आई होप से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें शेयर करें और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, तो घर पे रहें और सेफ रहें।